मित्रों, आइए हम शत्रु कीट प्रबंधन में पारिस्थितिक अभियंत्रण के महत्व को जानें। इस दिशा में किसानों के सहायता, पैदावार की बढ़ोतरी तथा कीटनाशी रसायन हेतु सुरक्षित अन्न के उत्पादन हेतु राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा PGDPHM, CPDHM के द्वारा छात्रों, कृषि पदाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों तथा गांव में किसानों के घर जाकर किसान बंधुओं को प्रशिक्षित करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। किसान बंधुओं द्वारा लगातार एक ही प्रकार के फसल के उत्पादन करते रहने के परिणाम स्वरूप शत्रु कीटों की संख्या तथा प्रजाति में लगातार वृद्धि हो रही है। इन शत्रु कीटों के नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशी के प्रयोग करने से कृषि लागत खर्च में बढ़ोतरी होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। अन्य देशों में खास तौर पर वियतनाम के किसान प्राकृतिक नियंत्रण विधि से शत्रु कीट के वृद्धि को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधों को मुख्य फसल के साथ लगाते हैं। परिणामतः वहां के किसानों को अपेक्षित उत्पादन के साथ साथ रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग भी कम करना पड़ रहा है। इस विधि को पारिस्थितिक अभियंत्रण के द्वारा शत्रु कीट प्रबंधन कहते हैं। पारिस्थितिक अभियंत्रण के द्वारा कीट प्रबंधन की विधि में पुष्पीय पौधों को खेत के चारों ओर मेड़ पर लगाया जाता है। इन पुष्पीय पौधों में मुख्यतः सफेद, पीला तथा लाल रंग के पुष्प वाले पौधे को उपयोग में लाया जाता है। पारिस्थितिक अभियंत्रण के तहत शत्रु कीट नियंत्रण हेतु तीन प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, ट्रैप क्रॉप, अट्रैक्टेंट प्लांट, रिपेलेंट प्लांट। ट्रैप क्रॉप या शत्रु कीटों को आश्रय प्रदान करने वाले पौधे के उदाहरण के तौर पर गेंदा, शत्रु कीट हेलिकोभरपा के लिए, डॉलिकस एफिड के लिए, अरंडी टोबैको कटवर्म के लिए। रिपेलेंट प्लांट या शत्रु कीट विकर्षक पौधे के उदाहरण के तौर पर पुदीना, कैबेज बटरफ्लाई के विरुद्ध, लहसुन एफिड के विरुद्ध, तुलसी टमाटर फल छेदक कीट के विरुद्ध, अट्रैक्टेंट प्लांट या मित्र कीट को आकर्षित करने वाले पौधे के उदाहरण के तौर पर गाजर तथा सूरजमुखी, जो कि मित्र कीट सिरफिड फ्लाई, लेडीबर्ड बीटल, रेडवीड बग तथा लैसविंग बग को आकर्षित करते हैं। सरसों का पौधा कीट भक्षी ट्राइकोग्रामा तथा ब्रेकॉन को आकर्षित करते हैं। गेंदा तथा क्राइसेंथमम मित्र कीट मकड़ी को आकर्षित करते हैं। उसी तरह कॉस्मस मित्र की प्रेइंग मेंटिस को आकर्षित करते हैं। धान के फसल में शत्रु कीटों के नियंत्रण तथा प्रबंधन हेतु पारिस्थितिक अभियंत्रण के महत्व को जानिए। पारिस्थितिक अभियंत्रण के तहत धान के फसल में शत्रु कीटों के नियंत्रण हेतु पौधों के चयन करने से पूर्व धान के फसल के शत्रु कीट तथा इन शत्रु कीटों को प्राकृतिक भक्षण करने वाले हमारे मित्र कीटों के विषय में हमें अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो कि धान के फसल के लिए लाभकारी होते हैं के उदाहरण के तौर पर पीपल,
प्याज, सूर्यमुखी, भिंडी, गेंदा, तुलसी, क्राइसेंथेमम, तिल, ट्राइडेक्स, गाजर, लोबिया इत्यादि अत्यधिक लाभकारी होते हैं। ये पौधे धान के फसल के चारों ओर मेड़ पर कतारों में उगाए जा सकते हैं। सबसे महत्व की बात जो किसान बंधुओं को निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु कीट के संक्रमण होने के बाद भी धान के पौधे में रोपण से 40 दिनों के बाद तक टिलर पुनरुत्पादित करने की क्षमता होती है। प्रयोगशाला तथा खेत में प्रयोग से ऐसा पाया गया है कि धान में आधे से अधिक टिलरों के क्षय होने के बावजूद भी क्षतिग्रस्त टिलर की भरपाई हो जाती है तथा उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। यह सिद्धांत विश्वव्यापी रूप से प्रमाणित तथा स्वीकार किया जा चुका है। अतः रोपण के दिन से 40 दिनों तक रासायनिक विधि से कीट नियंत्रण करने की कोई विशेष जरूरत नहीं होती है। धान के पौधे में क्षतिपूर्ति करने की प्राकृतिक क्षमता तथा शत्रु कीट मित्र कीट के हितकारी अनुपात 2:1 की जानकारी के अभाव में किसान बंधु जैसे ही शत्रु कीटों के संक्रमण को अनुभव करते हैं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं। परिणामतः मित्र कीटों के मृत्यु दर में बढ़ोतरी होने के साथ साथ कृषि लागत खर्च में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इनसे बचने के सरल और आसान उपाय के तौर पर कुछ शत्रु कीट को मुख्य फसल से बाहर करने, कुछ शत्रु कीट की संख्या को नियंत्रित करने तथा शत्रुभक्षी मित्र कीट की संख्या के बढ़ोतरी करने का प्रबंधन होना चाहिए। शत्रु कीट तथा शत्रुभक्षी मित्र कीट का अनुपात 2:1 से अधिक होने की स्थिति में अनुपात को कम करने के लिए कुछ शत्रुभक्षी मित्र कीट यथा मकड़ी, रेडवीडबग, ट्राइकोग्रामा तथा ब्रेकॉन को कृत्रिम रूप से कृषि पारिस्थितिक तंत्र में छोड़ा जाना चाहिए। फसल का नियमित निरीक्षण होना चाहिए। शत्रु कीट मित्र कीट अनुपात 2:1 से अधिक होने की स्थिति में नीम उत्पाद तथा अन्य वनस्पति जन्य कीटनाशक के प्रयोग से शत्रु कीट की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सब्जी के फसल मुख्य रूप से बंद गोभी में कीट नियंत्रण हेतु पारिस्थितिक अभियंत्रण का क्रियाकलाप अत्यधिक प्रभावकारी तथा किसान बंधुओं के हित में है। धान के फसल के समान ही पीडी अनुपात को 2:1 के आसपास बनाए रखना है। इस प्रकार धीरे धीरे रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग को कम किया जा सकता है तथा किसान बंधुओं को अपेक्षित उत्पादन भी मिलेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से संपर्क करें या फिर हमारे वेबसाइट www.
nichm.gov.in पर लॉगिन करें।